नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। और दिल्ली नगर निगम चुनाव का शोर आज थम जाएगा। 4 दिसंबर को होने वाली वोटिंग से पहले आज सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा जोर दिखाने दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग इलाकों में होंगी। और भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, तीनों पार्टियों के दिग्गज नेता आज सभाओं को संबोधित करेंगे और जनता से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील भी करेंगे। बता दें आपको कि 15 साल से नगर निगम में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कड़ी चुनौती है कि अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए पूरे दमखम से मैदान में उतर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पिछले 15 साल से नगर निगम में बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए बीजेपी पर हमलावर हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हुए एमसीडी में जोर आजमाइश कर रही है। जहां एक तरफ बीजेपी नए वादों के साथ मैदान में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को दिल्ली में तीनों कूड़े के पहाड़ पर घेरती हुई नजर आ रही है। पंडित जी इस मामले में पीछे नहीं है और कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आ रही है। और कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार के पिछले 7 साल के कार्यकाल में किए गए वादों के खिलाफ जनता के बीच है। तो बीजेपी का नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर मुखर हो रही है। और अब देखना यह है कि 4 तारीख को जब मतदान होगा तो जनता के बीच किस पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत की है, और 7 तारीख को नतीजे के दिन साफ हो पाएगा कि क्या बीजेपी पर एक बार फिर दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया है या फिर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार में रहते हुए जो काम किए हैं उसका फायदा पार्टी को मिला है या नहीं मिला है, या फिर कांग्रेस इस नगर निगम चुनाव में अपना वजूद बचाने की जो लड़ाई लड़ रही थी उसमें कितनी कामयाब हो पाई है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ सैयद मुबश्शिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, अपडेट क्या है? विधायक से लेकिन जो रोड शो कर रहे हैं और उस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरा जो माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की है वो पूरी तरीके से चल रही है। तो फिलहाल जो आज चुनाव प्रचार जो थमेगा उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं कि जो दौर आजमाइश है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चल रही है। सुमन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सैयद, आप कंटिन्यू रखिए। जी बिल्कुल, तो ये आप देख रही है तस्वीरें। इस बार एक बड़ा लाल लश्कर लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, ये बेसिकली वार्ड नंबर 201 है, लक्ष्मी नगर का ललिता पार्क ये वार्ड नंबर है 201, जिसको यहाँ अगर आप बात करें तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जोर आजमाइश की हुई है। यहाँ से जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है वो है श्वेता निगम। तो ये ललिता पार्क का जो ये वार्ड है, ये वार्ड जो है आप कह सकते हैं कि अभी आम आदमी पार्टी हो कांग्रेस का भी हो जाए, क्योंकि एक खास चीज मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले जब यहाँ पर जुमे की नमाज, फ्राइडे की नमाज हुई, उसके बाद मस्जिदों के बाहर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के जो कैंडिडेट थे वो अपने लिए वोट की अपील कर चले। हालांकि काफी नाराजगी भी जो आम आदमी है, जनता है, उन्होंने नाराजगी किसी धार्मिक स्थल पर राजनीतिक स्थल में ना तब्दील करे उसको लेकर नाराजगी है, तो उसके बाद वहां से लोग हटे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से चुनाव प्रचार 5 बजे के बाद थम जाएगा, तीनों पार्टियां चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो पूरी तरीके से सड़कों पर जनता के बीच नजर आ रही है ज्यादा से ज्यादा संख्या में, कि किसी तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचा सके। सुमन जी, सैयद, लोगों से भी बात करने की कोशिश करें कि जनता का क्या मूड दिखाई दे रहा है इस समय। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोग यहाँ पे अभी फिलहाल रैली निकली है, शोर इतना ज्यादा था जिसकी वजह से यहाँ पर बात कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे अभी मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। अमूमन होता क्या है कि ये मार्केट इलाका है शकरपुर, और आपका कह सकते हैं कि रमेश पार्क का इलाका है, ये एक इंटरनेशनल मार्केट अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ होता है, कुछ दुकानदार यहाँ लोग साथ में। चाचा, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? 15 साल से यहाँ पे। यहाँ काम वगैरह हुए कुछ पहले से? पहले पार्षद ने कुछ काम किया यहाँ पे? जाहिर सी बात है, अभी देखिए यहाँ पे जो दुकानदार है
क्योंकि बिजनेस करना है तो इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाहट यहाँ सैयद कहीं ना कहीं लोग बोलते हुए भी हिचकाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि दुकानें भी हैं, वहां पर जाकर अगर बात की जाए कि जनता के मूड में आखिर क्या चल रहा है एमसीडी चुनाव को लेकर। बिल्कुल, मैं वही कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इस बार चुनाव को लेकर क्या मूड क्या चल रहा है। और सुमन, सबसे अहम बात कि जिस तरीके से तीनों राजनीतिक दलों ने एक बिगुल फूका था, चाहे वो बीजेपी 15 साल के अपना विकास के दावे कर रही हो एमसीडी में, या फिर आम आदमी पार्टी पिछले 7 साल से अपनी सर्वसत्ता के दावे कर रही हो, या फिर कांग्रेस जो कहते हैं कि शीला दीक्षित के टाइम पे जो कांग्रेस थी दिल्ली को बनाने वाली उसकी बात कर रहे हो, कुछ लोग मौजूद है उनसे बात करें। सर, इस बार क्या लग रहा है, माहौल बदलेगा या नहीं? मोदी जी देश में तो है ही है, अभी एमसीडी में कौन आ रहा है इस बार, क्या लग रहा है आप लोगों को, मुद्दा क्या लग रहा है? अच्छा, यहाँ के वोटर नहीं है, दुकानदार है, मार्केट के रहे लोगों, वोटर क्या नहीं है। चाचा आप इधर आ जाओ, आप तो ये थोड़ा सा इसकी चाटी है क्योंकि आप मार्केट दुकानदार को आप करते हैं तो वो इस बात को लेकर थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि उसके बिजनेस को कोई असर ना पड़े। और उम्मीद ये भी है क्योंकि ये सब एमसीडी के अंडर में शॉप आती हैं, ज्यादातर जो तहबाजारी की बात हो या फिर दूसरे तरीके से यहाँ पे पार्किंग की बात हो या शॉप की बात हो तो उन सब चीजों को लेकर तो लोग यहाँ पर दुकानदार जो है खासे हिचकिचाहट में आपको देखने को मिल रहे होंगे। सैयद, कहना गलत नहीं होगा कि जो लोगों को लुभाने का जो दौर था वो खत्म हो गया है, अब क्या सैयद मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सुमन, मैं सुन पा रहा हूँ। जी सैयद, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 4 दिसंबर को होने वाली वोटिंग से पहले आज सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपना जोर शोर दिखाने में जुटी हुई हैं, लेकिन वो जोर शोर कितने दम तक देखने को मिलेगा, क्योंकि अब लुभाने की जो जनता को लुभाने का प्रयास था वो तो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सुमन, ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, सबसे अहम बात की शाम 5 बजे के बाद ये पूरा प्रचार प्रक्रिया जो है वो थम जाएगी। 3 तारीख को अब पूरी तरीके से जो चुनावी रणनीति है वो तैयार कर ली जाएगी क्योंकि लास्ट डे होगा। 4 तारीख को लोग अपने घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे। मुद्दे कई सारे हैं क्योंकि हमने हमारा जो प्रोग्राम जनता देखती है पब्लिक का मूड, उसमें हमने कई सारे मुद्दे उसमें उठाए, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो सीवर का हो, चाहे सड़क के साफ सफाई का हो, चाहे झाड़ू लगने का हो, या कूड़ा उठने का हो, या फिर और जो गंदगी है उसको साफ करने, जो निगम पार्षद के अंतर्गत जो काम आते हैं उसको लेकर तो खासा नाराजगी देखने को मिली। अगर मैं बात करूं एमसीडी से बीजेपी की सरकार में तो वो नाराज ही लोग मिले हैं ज्यादातर, क्योंकि जो स्लम एरिया है या जे कॉलोनीज है या दूसरी जगह पे वहां तो बिल्कुल ना के बराबर काम हुआ है, जिसको लेकर काफी लोगों में गुस्सा इस बार को, तो बदलाव की आहट। अब ये बदलाव का जो मूड है जनता का वो आम आदमी की तरफ बैठता है या कांग्रेस की तरफ जाता है ये थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि अब राजनीतिक दल अगर जितना ज्यादा लुभा देंगे, जैसा आपने कहा कि जो लुभावने वादे का और सब चीजों का वो दौर अब आज शाम तक थम जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अभी ये प्रक्रिया अमूमन पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी आगे की जो कार्रवाई है अब वो जनता के ऊपर आए थे, जनता को कितना राजनीतिक दल लुभा पाए, चाहे वो आम आदमी हो या फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, कितना लुभा पाए, इसका नतीजा जो है वो अब 7 तारीख को देखने को मिलेगा। जी सुमन, बिल्कुल सैयद, जो नतीजे वो तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर ले कि लोगों के बारे में, जनता के बारे में, कि जनता क्या सोचकर वोट करेगी इस बार 4 तारीख को, वो क्या दिमाग में रख के वोट करेगी कि किस मंत्री ने, किस नेता ने, किस पार्टी ने हमारे लिए काम किया है। बिल्कुल देखिए सुमन, एक चीज मैं आपको बता दूं, नगर निगम के चुनाव बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, अमूमन मैक्स टू मैक्स कह सकते 50 से 60 हजार की वोटिंग होती है, जिसमें अगर 50% भी वोटिंग होती है तो मतलब 25 से 30 हजार के बीच में, और जो दल है उनमें बढ़ता है तो 10-12 हजार 15 हजार के बीच में हार जीत का फैसला हो जाता है। दूसरी सबसे अहम बात, जो दिल्ली, पूरी दिल्ली हम घूमे, जब पब्लिक का मूड हम कर रहे थे तो पब्लिक का मूड जब जानने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर लोगों का सबसे मेन मुद्दा था कि कूड़ा टाइम पे नहीं उठता, उनके नाली की सफाई नहीं होती है, सीवर की सफाई नहीं होती है, जो एमसीडी कर्मचारी है वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है लेकिन सालों से बंद है, कहीं पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। तो ये छोटे छोटे हैं लेकिन बेसिक मुद्दे हैं जो बेसिक एमटीज के तौर पे आते हैं, जिनका चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी की सत्ता हो एमसीडी में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि छोटी छोटी चीजें, घर के बाहर अगर नाली का पानी भरा होगा तो आदमी निकल नहीं सकता, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे थे मेन, उन्हीं के बीच जो है जनता के बीच जाने की कोशिश जो है पार्टियों ने की है। और दूसरे तौर पर काम करने को लेकर 15 साल 8 महीने का टाइम, मैं आपको बता दूं 8 महीना ये लेट हुआ है चुनाव, जो इस बार चुनाव फरवरी में होने थे वो अब आज के दिसंबर में हो रहे हैं, तो 8 महीना लेट, तो 15 साल 8 महीने बीजेपी जिस तरीके से, आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो कहते हैं कि दिल्ली को बीजेपी ने 3 कूड़े के पहाड़ दिए हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी है एमसीडी ये कह सकती है, महाकरप्ट डिपार्टमेंट बताते हैं,
आम आदमी पार्टी या कांग्रेस दोनों एमसीडी को लेकर, दूसरी तरफ सीलिंग को लेकर। ये जो जिस मार्केट में मैं खड़ा हूँ, ये ललिताबाग का रमेश पार्क की मार्केट है लक्ष्मी नगर की। अमूमन जो आप मेरे पीछे कपड़े देख रहे होंगे टंगे हुए, ये सब जो है एक्सपोर्ट होता है, मैक्सिमम जो थोक के जो विक्रेता है यहाँ पर वो यहाँ पर बैठते हैं। इनके लिए कई चीजें एमसीडी में, चाहे वो सीलिंग का मुद्दा हो, चाहे वो पार्किंग का मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए, जिसके बीच नाराजगी है आम जनता की, और वो यही चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और चीजें सामने आया हुआ है। जी सैयद, बिल्कुल 7 तारीख को तो नतीजे के दिन साफ ही हो जाएगा कि दिल्ली किसके खेमे में जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। विधानसभा में पारित तो उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में बहुत तरह से कई जगहों पर धर्मांतरण हो रहा था और ये भविष्य के लिए एक गंभीर विषय बना था, और धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित कराया गया है और इसमें जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल तक कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। और धामी के इस कदम की साधु संत समाज ने सराहना की है, और इस बीच ट्विटर पर भी धर्मरक्षक धामी खूब ट्रेंड हुए हैं और साधु संतों की मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं प्राप्त हो रही है। इस क्रम में स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा है कि धामी सरकार के इस निर्णय से पूरे देश का संत समाज आनंदित और आह्लादित हुआ है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है, महाराज ने यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री धामी ने धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये देश और समाज के लिए बेहद हितकारक है। स्वामी परमानंद ने कहा है कि जो लोग बल से या कपट से धर्मांतरण कराते हैं वो सबसे बड़े पापी हैं। उत्तराखंड सरकार ने ये विधेयक पास करके नया उदाहरण दिया है। इसके लिए धामी को साधुवाद साध्वी प्राची ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में सीएम धामी ने ये बहुत सुंदर निर्णय लिया है और उत्तराखंड सरकार ये बहुत अच्छी पहल कर रही है। और बालकानंद महाराज ने कहा है कि सीएम समाज हित में इसी प्रकार से कार्य करते रहें। योगाचार्य विपिन जोशी ने कहा है कि धर्मांतरण पर बना कानून जरूरी और ऐतिहासिक है। तो प्रदेश में बहुत जगहों पर धर्मांतरण हो रहा था, ऐसा सीएम धामी कह रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून को लेकर जो निर्णय लिया गया है वो बहुत सही निर्णय है। प्रदेश में बहुत जगह पर धर्मांतरण हो रहा था, वहीं कई महाराज भी सराहना करते हुए सीएम धामी की दिखाई दिए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से सुभाष गौड़। सुभाष गौड़, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए, धर्मांतरण कानून को लेकर सीएम का बयान अब सामने आ गया है। जी बिल्कुल, धर्मांतरण को लेकर उत्तराखंड में जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने एक नया कानून बनाया और उसको कानून का रूप देने के लिए विधानसभा सत्र के दौरान इसको विधानसभा में रखकर इसे कानून के रूप में अब तैयार कर दिया है, जिसके बाद से ही पुष्कर सिंह धामी को लेकर लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि ट्विटर पर खुद पुष्कर सिंह धामी इसके बाद लगातार ट्रेंडिंग पर चलते रहे, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो साधु संत है, जो साधु समाज है, उन्होंने भी अब पुष्कर सिंह धामी को सहयोग देने की बात की और ये वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सभी साधु संत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर जो कानून उत्तराखंड में बना है इसको लेकर वो सरकार के साथ है और वो चाहते थे कि उत्तराखंड में इस तरीके का कानून बनकर सामने आए, ताकि जिस तरीके से लोग लगातार धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उस तरीके की स्थितियां उत्तराखंड में ना हो और यदि कोई करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। लेकिन अब बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे थे, खुद राजधानी देहरादून में उधम सिंह नगर के क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन के जो मामले नजर आ रहे थे, उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं रुख अपनाना चाह रही थी, कड़क रुख, और वही वजह है कि उन्होंने इसको कानून का रूप दिया, विधानसभा में उसको रखा, उसे पास कराया और अब ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन करने वाला कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो कि नियम के अनुसार बनाई गई है। जी जैसे कि सुभाष बताया, ये भी जा रहा है कि धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल तक का कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है, इसको किस तरह से देखा जाए विस्तार से बताइए इस बारे में।
जी बिल्कुल, यही सरकार चाहती भी थी और इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि अभी तक जो लोग धर्म परिवर्तन करते थे उन लोगों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती थी और यही वजह था कि वो लगातार धर्म परिवर्तन भी करते थे और लोगों से भी करवाया करते थे, और जिसको लेकर राज्य सरकार भी चाह थी कि इसके लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन ना करे और ना ही किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करे। इसी को लेकर तैयारियां की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसे कि मैं पहले भी बताया कि उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार लोग करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि कई बार कई लोगों को पकड़ा भी गया, लेकिन कड़े कानून ना होने की वजह से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। तो यही वजह है कि सरकार चाहती थी कि कानून इतने सख्त बनाए जाए कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने से पहले 10 बार सोचे, और इसी को लेकर तमाम चीजें और तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से की गई थी। जी बिल्कुल सुभाष, जैसा सीएम धामी ने भी कहा है कि प्रदेश में बहुत तरह से कई जगहों पर धर्मांतरण हो रहा था, तो ऐसे कितने केस देखने को मिले? अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो कितने केस ऐसे देखने को मिले होंगे जिसमें धर्मांतरण के जो मामले हैं वो सामने आए होंगे? जी बिल्कुल, अगर धर्मांतरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी खास तौर से जो मैदानी क्षेत्र से, चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, धम सिंह नगर हो, ये वो क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों में धर्मांतरण कराए जा रहे थे लोगों की। हालांकि कुछ लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती थी, लेकिन क्योंकि कोई कानून ना होने के चलते कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाती थी। हालांकि अगर एक आंकड़ों की बात करें तो कोई आंकड़े निकल कर सामने नहीं आए, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा मुकदमा इन लोगों पर दर्ज नहीं कराया गया था। लेकिन अब क्योंकि कानून बना दिया गया है, तो कानून बनाने के बाद अब यदि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, धर्मांतरण करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसकी तैयारियां पूरी तरीके से राज्य सरकार ने कर ली और इसको कानून का रूप भी विधानसभा में देने की कोशिश कर दी गई है। जी बिल्कुल सुभाष, धर्मांतरण कानून को लेकर जो साधु संतों ने मुख्यमंत्री की सराहना की है, उन्हें शुभकामनाएं जो है वो प्राप्त हुई है, तो इसमें कितनी खुशी देखने को मिल रही है साधु संतों में? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि पुष्कर सिंह धामी ने जब विधानसभा सत्र के दौरान धर्मांतरण कानून बनाने की बात की, उसे सदन के पटल पर रखा और सहमति के साथ जब वो सदन में पास हुआ, उसके बाद से ही प्रदेश के जो साधु संत है वो काफी खुश नजर आ रहे थे। और उसके साथ ही लोग जो साधु संत थे उनके बयान भी आए, चाहे वो हरिद्वार के हों या अन्य क्षेत्रों के, वो कहते हुए जरूर नजर आए कि पुष्कर सिंह धामी का ये बेहतर फैसला, और इस बेहतर फैसले के साथ वो पुष्कर सिंह धामी के साथ हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या अन्य कोई सोशल साइट हो, उन सभी पर पुष्कर सिंह धामी छाते हुए नजर आए। और ये माना जा सकता है कि ट्विटर पे लगातार उत्तराखंड की तरफ से पुष्कर सिंह धामी ट्रेंडिंग पर चल रहे थे, जबकि जिसके बाद से ही ये कहा जा सकता है कि लोगों में भी काफी खुशी थी जो धर्मांतरण कानून को लेकर, जो चाहते थे कि उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून लागू किया जाए। जी बिल्कुल सुभाष, मेरा अहम सवाल आपसे ये रहेगा कि धर्मांतरण पर जो कानून बना है वो और राज्यों में भी लागू हो सकता है, क्या पता उत्तराखंड सरकार से सीखे और राज्य, और जिसके बाद धर्मांतरण कानून और राज्यों में भी देखने को मिले? जी बिल्कुल, शुरुआत जरूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड से कर दी है, तो इसके साथ ही अन्य कई राज्य हैं जहां धर्म परिवर्तन बहुत अधिक संख्या में किए जाते हैं। शायद उम्मीद है आने वाले समय में कोई और राज्य भी इसको लेकर एक कड़े कानून बनाए ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने से पहले सोचे। जी जी बिल्कुल सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में आज जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे और इसके चलते आज मैनपुरी जिले में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक के इसके लिए आदेश भी जारी किया है। और आदेश में कहा गया है कि रैली की वजह से भारी यातायात होने के चलते छात्रों और अभिभावकों को अत्यंत असुविधा हो सकती है। मैनपुरी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकसभा उपचुनाव के लिए 2 दिसंबर को रैली प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी की रैली में भारी यातायात होने की संभावना के चलते छात्रों और उनके अभिभावकों को अत्यंत असुविधा हो सकती है। ऐसे में बच्चों और उनके अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के राजकीय अशासकीय सहायिका प्राप्त और इसके साथ ही ICSE और CBSE बोर्ड और
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी के सभी स्कूल 2 दिसंबर को बंद रखे जाए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई है और इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान है, जबकि नतीजे जो हैं 8 दिसंबर को आने हैं। सपा के इस सीट पर डिंपल यादव को टिकट दिया है और जबकि बीजेपी ने रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली करने पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि रैली को लेकर स्कूल बंद करने का आश्वासन दिया गया है। बता दें कि सभी स्कूल बंद रखने का फरमान आज के दिन के लिए रखा गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में आज जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी सामने आई थी। तैयारियां पूरी हो चुकी थी लेकिन अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करने नहीं पहुंचे हैं और इसके चलते आज मैनपुरी जिले में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे और जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसके लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि रैली की वजह से भारी यातायात होने के चलते छात्रों और अभिभावकों को अत्यंत असुविधा हो सकती है। मैनपुरी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकसभा उपचुनाव के लिए 2 दिसंबर को रैली जो है वो प्रस्तावित है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में भारी यातायात होने की संभावना के चलते छात्रों और उनके अभिभावकों को अत्यंत असुविधा हो सकती है। ऐसे में बच्चों और उनके अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 12 के राज्य अशासकीय सहायता प्राप्त स्वित्य पोषित और ICSE और CBSE बोर्ड और इसके साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी के सभी स्कूल 2 दिसंबर को बंद रखे जाएं। और इसी खबर पर हमारे साथ मैनपुरी से संवाददाता अरुण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, सीएम योगी आदित्यनाथ की आज रैली थी, अभी की क्या अपडेट है? जी देखिए, इस संबंध में आपको बता दूं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी का दौरा है, जिसमें अभी कुछ ही देर बाद मैनपुरी के क्रिश्चियन ग्राउंड में वो पहुंचेंगे और रघुराज सिंह शास्त्र के जो लोकसभा का उपचुनाव है उनके लिए वोट की अपील करेंगे। उनके काफी ज्यादा संख्या में भारी मात्रा में आप भीड़ मौजूद है। जी संबंध जी, जिस तरह से समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जो रैली होनी थी उसको लेकर बच्चे और उनके अभिभावकों को असुविधा भी देखने को मिल रही थी, अरुण इसको लेकर अपडेट क्या है, विस्तार से बताइए। जी देखिए, जो पुलिस अधीक्षक है कमलेश दीक्षित, उन्होंने मैनपुरी को बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया है। मैनपुरी में कच्चा आज स्कूल बंद है और रोडों का डायवर्जन है, कई रोड चेंज कर दिए, बड़े वाहन और नई गाड़ियां हैं, जैसे जैसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वही भारी संख्या में भीड़, इस वजह से बच्चों को दिक्कत ना हो, अभिभावकों को दिक्कत ना हो, इस वजह से बच्चों की उन्होंने आज 1 से 12 तक की CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी है। जी सुमन, अरुण जिस तरह से समय बताया गया था उस हिसाब से सीएम योगी आदित्यनाथ अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो अभी समय की क्या अपडेट है, कब तक सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे? जी बिल्कुल, मैं बता दूंगा आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही देर में बता रहे हैं वो आने ही वाले हैं क्रिश्चियन ग्राउंड में, जहां पर मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि आज मुरादाबाद में कई उनकी रैलियां थी, जिस कारण जो रैलियां मैनपुरी में होने जा रही है, मैनपुरी में कुछ ही देर में वो आने वाले हैं। अरुण, जिस तरह से बच्चों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और एक बताया जा रहा है कि कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो कैसे समस्याएं देखने को मिली होंगी छात्रों को? जी बिल्कुल, हालांकि 1 ही दिन के लिए बंद है, आगे भर के लिए स्कूल बंद है, क्योंकि जो VIP मूवमेंट है वो लगातार आ रही है, जिससे जाम की नौबत ना आ सके, बच्चों को परेशानी ना हो सके स्कूलों के लिए, इस वजह से उन्होंने आज छुट्टी कर दी है। जी जिस तरह से अरुण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में भारी यातायात होने की भी संभावना के चलते जो छात्रों उनके अभिभावकों को अत्यंत असुविधा हो रही थी, वो असुविधा किस तरह से देखी जाए, क्योंकि यातायात को लेकर समस्या हो रही थी और उनके अभिभावकों को भी समस्या हो रही थी? जी बिल्कुल, समझ देखिए मैं बता दूं, सबसे बड़ी समस्या थी यातायात की। यातायात में हालांकि मैनपुरी में जो रूट डायवर्जन है वो बदल दिया गया है, क्योंकि यहाँ जो बाईपास है वहां से जाएंगे, भारी वाहन का परिवेश बिल्कुल बदजेत है और जगह जगह पे पुलिस तैनात है, लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, लगातार लोगों की चेकिंग की जा रही है, उसके बाद वाहनों को रोका जा रहा है, जिससे किसी को भी असुविधा ना हो सके। जी अरुण, सीएम योगी पहले भी आए हुए थे, तब भी ऐसी सुविधा देखने को मिली थी जैसे अभी तैयारियां चल रही है, तब भी वैसी तैयारियां थी?
हालांकि अभी जो इससे पहले जो रैली करी थी उन्होंने करैल के नर्सिंग इंटर कॉलेज में रैली करी थी। हालांकि इतनी समस्या नहीं होती जितनी समस्या आज जनपद मैनपुरी में हो रही है, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जो लोकसभा का उपचुनाव है उसको लेकर के काफी जनता में उत्साह है, क्योंकि बहुत अहम ये जनसभा आज मैनपुरी की मानी जा रही है शहर की। जी सुमन जी, अरुण बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। संभल के असमोली थाना क्षेत्र के मनोटा में निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। बता दें कि हंगामा बढ़ता देख आरोपी संचालक अस्पताल छोड़कर भागने में कामयाब हो गया है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि मरीज को गलत इंजेक्शन लगने से महिला की मौत हालत जो है वो बिगड़ गई थी, और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बताते चलें कि स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही के चलते निजी अस्पताल संचालक अब मनमानी करने लगे हैं। बता दें आपको कि संभल से खबर है जहां पर परिजनों का हंगामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई थी, जिससे गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है। बता दें आपको कि संभल के असमोली थाना क्षेत्र के मनोटा के निजी एक अस्पताल की खबर बता रहे हैं, जहां पर डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है और परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। बताते चले कि हंगामा बढ़ता देख आरोपी संचालक अस्पताल छोड़कर वहां से भागने में कामयाब हो गया, और परिजन लगातार अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मरीज को गलत इंजेक्शन लगने से महिला की हालत बिगड़ गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें आपको कि इस घटना के बाद स्वास्थ्य महकमे में जो लापरवाही के चलते निजी अस्पताल संचालक अब मनमानी करने लगे हैं, जिसके बाद अब हड़कंप मचा हुआ अस्पताल में बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।